हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अन्नपूर्णा और आपका स्वागत है मेरे किचन में। आज हम बनाएंगे एक बहुत ही ज़्यादा हेल्दी टेस्टी यम्मी करेले की सब्जी, जो खाने में टेस्टी तो है ही, साथ ही बनाना बहुत ज़्यादा आसान है। इसके लिए मैंने लिए आधा किलो करेले, उसके अलावा लहसुन, अदरक, इमली, सूखा नारियल, जीरा, गुड़ और कुछ मूँगफली के दाने हैं और तेल। ये है बारीक कटा प्याज, हरी मिर्च, दो टमाटर हैं, हल्दी है, मिर्च, धनिया पाउडर, गरम मसाला, नमक अकॉर्डिंग टू टेस्ट है। सबसे पहले मैंने करेले को गोल गोल काट लिया है। काट के अभी मैं इनके बीज निकाल रही हूँ। पहले हमें करेले को अच्छे से धो के फिर उसके बाद काटना है। अभी मैंने सारे बीज निकाल लिए हैं। इस तरीके से सारे बीज निकाल लेना है। निकाल के अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर और 1 टीस्पून नमक। नमक डाल के अब हम लोग इसको अच्छे से मिक्स करते हैं। मिक्स करके इसे आधे घंटे के लिए ऐसे ही रहने देते हैं। अभी मैंने रखा है पैन, उसमें मैंने डाला है मूंगफली, ये 2 टेबलस्पून है। डाल के मैं इनको अच्छे से भून रही हूँ। जैसे ये थोड़ा सा भून जाएगा उसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ 1 टीस्पून जीरा डाल के, उसके बाद सूखा नारियल डाल रही हूँ। उसके मैंने पीसेस में काट लिए। अगर आपके पास सूखा नारियल नहीं है तो आप डेसिकेटेड कोकोनट का इस्तेमाल कर सकते हो, या वो भी नहीं है तो सफ़ेद तिल्ली, या आप चाहो तो स्किप भी कर सकते हो। ये मूंगफली जीरा हम लोग ग्रेवी को थिक करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। अब ये भून गया है, मैंने निकाल रही हूँ प्लेट में। जब ये ठंडा हो जाएगा उसके बाद मैंने इसमें अदरक और लहसुन को भी डाला है। डाल के मैंने इसका एक फाइन पेस्ट बना लिया है। अब मैं इसको रख रही हूँ साइड में। अब हम देखते हैं करेला आधा घंटा हो गया है और इसमें पानी भी छूट गया है। अब इसको हाथ से इस तरीके से दबाते हुए हमें इसका पानी निकालना है। ऐसा करने से करेले में जो कड़वापन है वो पूरे तरह से निकल जाता है और सब्जी बिल्कुल भी कड़वी नहीं रहती है। इस तरीके से दबा दबा के हम लोग पूरा पानी निकाल लेते हैं। करेले का पूरा पानी निकल गया है। अब मैं इनको रख रही हूँ साइड में रख के अब हम करेंगे आगे का प्रोसीजर। ये स्टेप चाहो तो आप स्किप कर सकते हो, डायरेक्ट करेला ऐसे भी बना सकते हो, बट उससे करेले की सब्जी थोड़ी कड़वी लगेगी। अभी मैंने पैन में डाला है 3 टेबलस्पून ऑयल डाल के अभी मैंने इसमें डाले हैं करेले डाल के अभी हम इन्हें गोल्डन ब्राउन और क्रिस्पी होते तक अच्छे से मीडियम हाई फ्लेम पे फ्राई करेंगे। ये सब्जी बिल्कुल भी कड़वी नहीं रहती है और बच्चे इसे बहुत अच्छे से खाएंगे क्योंकि इसमें कड़वापन नहीं रहता है। और आप इसे बना के 2 से 3 दिन तक भी खा सकते हो और फ्रिज में रख के तो 1 वीक तक भी इसे हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी करेला काफ़ी अच्छे से भुन गया है, मैं इसे निकाल रही हूँ। निकाल के अब सेम इसी पैन में हम बनाएंगे सब्जी। मैंने डाला है बारीक कटा प्याज। प्याज जैसे ही थोड़ा सा भुन जाएगा उसके बाद हम लोग इसमें डालेंगे हरी मिर्च। यहाँ पे मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। हरी मिर्च डाल रही हूँ, उसके अलावा मैं मिर्च पाउडर भी डाल रही हूँ। ये सब्जी बच्चे भी बहुत अच्छे से खाते हैं क्योंकि जिस तरीके से हम लोग बना रहे हैं वैसा बनाने से सब्जी बिल्कुल भी कड़वी नहीं रहती है। अगर हम लोग कहीं बाहर जा रहे हैं तो इसे ले जा सकते हैं जर्नी में, क्योंकि ये 2-3 दिन तक ख़राब नहीं होती है। अब मिर्ची अच्छे से भुन गया, उसके बाद हम लोग जो ग्राइंड करके पेस्ट बना लिए थे उसको मैंने डाला है। डाल के अब हम लोग इसको अच्छे से भून लेते हैं ताकि इसमें जो कच्चापन है वो निकल जाए। 1-2 मिनट तक मैंने इसे भून लिया है। जैसे ये थोड़ा सा भून गया है उसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ बारीक कटे टमाटर। यहाँ पे मैंने 2 बड़े साइज़ के टमाटर इस्तेमाल किए हैं। अब टमाटर डाल के मैं इनको अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। अभी हमें टमाटर थोड़ा सा सॉफ्ट होते तक पकाना है। उसके लिए मैंने इसमें डाला है थोड़ा सा नमक। नमक डालने से टमाटर जल्दी से सॉफ्ट हो जाएंगे। नमक डाल के मैं इसको अच्छे से मिक्स करके फिर ढक के 1-2 मिनट तक पकने दूंगी। ये सब्जी रोटी, चावल, पराठा, नान सभी के साथ बहुत अच्छा लगता है। अभी 2 मिनट हो गया, 2 मिनट मैंने ढक के पका लिया है तो टमाटर काफ़ी अच्छे से पक गया है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ करेले, जिसे हमने फ्राई करके रख लिया था। करेले डाल के अब हम लोग थोड़ा सा और भून लेते हैं। जैसे ये थोड़ा सा भून जाएगा उसके बाद मैं इसमें डालूँगी सूखे मसाले। सबसे पहले मैंने इसमें डाला है 1/2 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च, इससे तीखा कम रहता है बट लुक वाइज बहुत अच्छा दिखेगा। उसके बाद धनिया पाउडर और नमक डाला है। नमक डाल के अब मैं इनको अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। नमक हमने करेले में पहले भी डाला था, फिर टमाटर के साथ भी डाला है और अभी भी डाला है, तो नमक आप देख के अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालना। अब मैं इसमें डाल रही हूँ इमली का पल्प। इमली को मैंने आधे घंटे पहले ही पानी में भिगो दिया था, उसके बाद मैंने इसका पल्प निकाला है। निकाल के अब मैं इसको अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। मिक्स करके अब हम लोग इसमें पानी डालेंगे। उसके लिए मिक्सी के जार में थोड़ा सा मसाला लगा था तो उसमें मैंने 1 कटोरी पानी डाला है। डाल के वही पानी मैंने कढ़ाई में डाला है। अभी
ग्रेवी थोड़ी सी थिक है तो मैंने और 1.5 कटोरी पानी इसमें डाला है। इसमें मैंने कम्प्लीटली 2.5 कटोरी पानी का इस्तेमाल किया है। आपको ग्रेवी जैसी चाहिए, ज़्यादा गाढ़ी पतली, उसके अकॉर्डिंग आप पानी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अभी मैंने इसको अच्छे से मिक्स किया है, जैसे इसमें बॉईल आया है उसके बाद मैंने इसमें डाला है गुड़। गुड़ की जगह आप शक्कर भी इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आपको मीठा नहीं पसंद है तो आप स्किप भी कर सकते हो। अभी मैंने इसको अच्छे से मिक्स किया है, मिक्स करके ढक के मीडियम हाई फ्लेम पे 4-5 मिनट तक मैं और पकने दी हूँ। 4-5 मिनट बाद हमारी सब्जी एकदम बनके रेडी है। आप देख सकते हैं ऊपर से थोड़ा सा तेल भी दिख रहा है, मतलब मसाला भी पक गया, सब्जी भी काफ़ी अच्छे से पक गई है। अभी मैं इसमें डाल रही हूँ 1/2 टीस्पून गर्म मसाला। डाल के मिक्स करके 1 मिनट के लिए मीडियम हाई फ्लेम पे मैं इसे पकने के लिए रख दे रही हूँ। 1 मिनट बाद मैंने ढक्कन निकाला है, सब्जी तो बन चुकी है। उसके बाद मैंने इसमें डाला है बारीक कटा हरा धनिया। ये सब्जी ठंडी होने के बाद थोड़ी सी और गाढ़ी हो जाती है। अभी धनिया पत्ती डाल के मैंने गैस का फ्लेम ऑफ कर दिया है। बस हमारी सब्जी बनके रेडी है। अब आप देख सकते हैं ठंडी होने के बाद ये थोड़ी सी और गाढ़ी हो गई है। अब आप भी ये हेल्दी टेस्टी करेले की सब्जी ज़रूर बनाइए, और अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।